अवसर पर हम यहां एकत्र हुए हैं। ये दिन 31 अक्टूबर लोह पुरुष देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में हम इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कहते हैं, क्योंकि जैसा उनका कार्य, जैसी उनकी सोच, उसी प्रकार से इस दिन का नाम रखा गया है। और ये दिन हम अपनी नई पीढ़ी उसके मन में देश की एकता, देश की अखंडता की जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले कई वर्षों से मनाना हमने शुरू किया है। शायद मैं याद कर रहा हूं तो 2013 में राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई थी, और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी, और 5 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2018 को उस स्टैचू का अनावरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इस रूप में यूं जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ उस समय देश में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी, और उन रियासतों को अंग्रेज सरकार जाते जाते अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल के कारण से के को अपनाते हुए और एक छूट दे दी थी कि आप चाहें तो अपना संविधान बना करके और अपने शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, आप चाहें तो भारतीय संविधान को स्वीकार करके और एक देश के रूप में भी चल सकते हैं। अब ये जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लगा कि वो सभी रियासतों को जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाए कि भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान के अंतर्गत वो अपना शासन जो है उसी में रख करके और सारी व्यवस्थाएं चलाएंगे। बाद में फिर राज्यों का निर्माण वो अलग प्रकार से हुआ। 562 रियासतों ने उस समय ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रिय मान लिया। केवल 3 रियासतें बची थी जिन्होंने तत्कालीन या नहीं माना, जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। बाद में उनमें से 2 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगी कि उनको फिर आग्रह किया जाए, समझाया जाए। उन्होंने अपने तरीके से ही उन दोनों रियासतों को राजी कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत, उनका एक विशेष दर्जा जो सरदार जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगा था, उनको विलय करने के लिए राजी नहीं कर पाए। एक विशेष दर्जा संविधान की धारा 370 के अंतर्गत उनको मिला। बाद में हम जानते हैं कि बहुत इसके विवाद भी बड़े हुए। जम्मू कश्मीर का जो एक संपूर्ण विलय वो देश के साथ नहीं हो पाया, और अब अंतोगत्वा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी दूरदर्शी एक सोच के हिसाब से इस ढंग से एक वातावरण बनाया कि 370 को और 35A को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर फिर से, यानी फिर से तो क्या, यानी एक प्रकार से उस स्थिति में कि आज हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर उसी प्रकार के तरीके से जैसे बाकी देश साथ मिलकर चल रहा है, तो देश के साथ एक अभिन्न उसका जो जुड़ाव है जम्मू कश्मीर का बन गया है। तो ऐसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के शासन प्रशासन, दूरदर्शी नेता होने के नाते से एक अच्छे गवर्नेंस के वो पुरोधा थे। यानी हम ये भी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थी उसको इंडियन सिविल सर्विसेज में बदलने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया। स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, हमारी जो सिविल सर्विसेज जिसके अंतर्गत हम सब काम करते हैं, इसको दर्जा दिया गया। तो ये वही लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश की एकता अखंडता के लिए और देश में एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए उनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर, उनके जन्मदिवस के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और उनके जन्मदिवस पर हम हर वर्ष
एक संकल्प लेते हैं, एक शपथ लेते हैं, देश भर में ये शपथ आज ली जा रही है इसी समय, तो मैं उस शपथ को पढ़ूंगा। आपसे निवेदन है कि सब अपनी जगह पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ सामने उठा करके और मेरे पीछे उस शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मैं सभी से राष्ट्रगान के लिए आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय एकता की कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने भी शपथ दिलाई राष्ट्रीय एकता की, क्योंकि आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शपथ दिलाई, वो आपको सुनवाई, और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे और किस तरीके से उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया उसके बारे में भी जिक्र करते हुए नजर आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकजुट करने का काम किया, क्योंकि जैसा उनका संकल्प था, जैसे उनके विचार थे, जैसी उनकी भावना थी, उसी के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुरू किया था राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना जब सत्ता में आए साल 2014 में। उसके बाद पहली बार ही जब सरदार पटेल का जन्मदिन मनाया गया, जब उनकी जयंती मनाई गई, तो इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और सरदार पटेल की एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में एक जो मूर्ति है वो भी बनवाई गई और वहीं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उनको नमन करने के लिए, और वहीं से शपथ का कार्यक्रम, वहीं पर परेड का कार्यक्रम भी हुआ था। और ऐसा ही कार्यक्रम हरियाणा के सचिवालय में हुआ जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके भी राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई दी थी। भारत की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले सरदार पटेल जी को राष्ट्र सदैव कृतज्ञतापूर्वक याद करता रहेगा। उनके दृढ़ संकल्प से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न साकार होना संभव हुआ है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में कहा था। और अब इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर भी अपना संबोधन किया। संबोधन में सरदार पटेल को याद किया, उनके कामों को याद किया कि किस तरह से उन्होंने पूरे भारत की
जो रियासतें थी जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो उन्होंने किस तरीके से रियासतों में बांटने का काम किया था हमारे देश को, लेकिन उसके बाद जब ये जिम्मेदारी सरदार पटेल को मिली उन्होंने पूरे देश की सभी रियासतों को एकजुट किया और जो रियासतें बाकी रह गई थी, तीन रियासतें जिसमें से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिसमें से दो जो रियासत थी उनकी उनको भी भारत में विलय करने के लिए महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और उनको भारत में विलय करवाया।